सब्सक्राइब करते वक्त ये बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपके फोन की भी बेल बजे जब भी हमारी नई वीडियो रिलीज हो। छना मुर्की बनाने के लिए हमने यहाँ 150 ग्राम पनीर ले ली है। इसे हम छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। क्यूब्स का साइज हम ज्यादा बड़ा भी नहीं रखेंगे और ज्यादा ही छोटा भी नहीं रखेंगे, बस ये वाला साइज परफेक्ट है। अब हम एक नॉनस्टिक के बर्तन में चाशनी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए लिया है हमने आधा कप चीनी। इसके अंदर अब डालेंगे हम 1/4 कप पानी। हमें यहाँ एक तार की चाशनी बनानी है, इसका मतलब हमारा शुगर सिरप ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। हमने अपनी गैस स्टोव को मीडियम से हाई रखा था। चीनी यहाँ गल गई है और चाशनी उबल रही है। एक बूंद चाशनी को हम किसी कटोरी में डालेंगे और उसे हल्का ठंडा करने के बाद उंगली और अंगूठे के बीच में उसे इस तरह चेक करेंगे। देखिए यहाँ हमें एकता नजर आ रहा है, मतलब हमारी चाशनी एकता की बन चुकी है। अब हम इसमें कटे हुए पनीर के पीसेस डालकर आंच को एकदम लो कर देंगे और इसको कंटिन्यूसली लगातार चलाते रहेंगे, जिससे हमारी ये जो चाशनी है वो हमारे पनीर के पीसेस को अच्छी तरह कोट कर ले। 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमारी चाशनी देखिए कैसी सफेद झाग वाली जैसी बन गई है। इस स्टेज पर हम अपने गैस स्टोव को बंद कर लेंगे और इस पैन को नीचे उतार लेंगे किसी स्टैंड पर और इसे इसी तरह लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि हमारी ये चाशनी पूरी तरह सूख नहीं जाएगी और हमारे पनीर के पीसेस पर ये चाशनी की कोटिंग अच्छी तरह बैठ जाएगी। तब तक इसे लगातार चलाते हुए हम डाल देंगे इसमें 1/2 चम्मच हरी इलायची का पाउडर और 1/4 चम्मच रोज वाटर यानी गुलाब जल। हम लगातार 5 मिनट से इसे हिलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अब ये जो चीनी की चाशनी थी ये थोड़ी बहुत अभी गाढ़ी हो चुकी है, मगर हमें इसे अभी भी हिलाते रहना है जब तक हमारी चीनी की चाशनी पूरी तरह सूख ना जाए। अब हमें यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं इसे लगातार हिलाते हुए। अब आप देख सकते हैं हमने नॉनस्टिक पैन क्यों यूज किया था और ये अब चीनी बिल्कुल सूख कर अलग हो गई है। जितनी पनीर के पीसेस पर लगनी थी वो लग चुकी है, बाकी छन कर नीचे सेटल हो गई है। अब हम इन पनीर के पीसेस को अलग छान कर निकाल लेंगे और ये जो बची हुई शुगर डस्ट है इसे आप फेंकिएगा नहीं, वेस्ट मत कीजिएगा। इसे आप किसी हलवा बनाने में या चाय बनाने में काम में ला सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छना मुर्की की रेसिपी आसान लगी होगी, तो आप इसे जरूर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं एक अगली रेसिपी के साथ, तब तक खुश रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए। बाय बाय एंड लव यू ऑल। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।